नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट है और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। चुनावी यात्रा के तहत हम पहुंचे विधानसभा बसेड़ी के गांव उमरे में। हमारे साथ हैं बसेड़ी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी। सुखराम जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका, पूरी टीम का और फर्स्ट है कि सभी दर्शकों का बहुत बहुत कोट कोट आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनावी समर में उतरे हैं, चुनावी मैदान में हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, एक ही मुद्दा है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार की विफलता है, चाहे उस चिकित्सा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में, वो कानून व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है, और रोडों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति जिस तरह से दयनीय हुई है, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। यदि आप चुनाव जीतते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, विधायक बनाती है, तो आप क्या क्या विकास कराओ, क्या क्या आपका प्लान है? देखो, मूलतः मेरा मुख्यतः प्लान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का है और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का है, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक एक पुस्तकालय खोला जाए, जिससे क्या है कि जो यूथ है, जिस कांग्रेस ने यूथों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने सोचा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक लाइब्रेरी खोली जाए, जिससे क्या है युवा अपने भविष्य को संवार सके। दूसरा क्या है कि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे युवा साथी हैं, वो फिटनेस के प्रति अवेयर नहीं है, उस फिटनेस के ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक व्यायामशाला का भी मैंने सोच रखा है। देखो, मैं कितना सफल हो पाता हूँ, जनता जनार्दन ने अगर आशीर्वाद दिया और मैं राजस्थान विधानसभा में पहुँचा, तो ये मेरी दोनों सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में हॉस्पिटल्स की जिस तरह से बदतर स्थिति हुई है, जिस तरह से रोड आज बसेड़ी विधानसभा के जितने भी रोड हैं, कमीशन की भेंट चढ़े हैं जिस कांग्रेस सरकार में, उन रोडों की स्थिति सही कराना और जो भी हमारे ग्रामीण स्तर की समस्याएं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलकर बैठ करके ग्रामीण स्तर की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करना ही मेरी प्राथमिकता है। आपके इंटरव्यू से पहले हमने अपने चैनल पर एक सूचना डाली, मतलब जो बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे सवाल मांगे कि हम आपके जो नेता हैं उनसे सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तो लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे, उसमें कुछ सवाल हमने सेलेक्ट किए, वो सवाल हम आपसे पूछते हैं। एक सवाल किसी दर्शक ने भेजा है कि आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, आज जिस तरह से मेरा टिकट जिस समय फाइनल हुआ, उस समय से लेकर के आज तक क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था इतना मुझे जन समर्थन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी कास्टों में, सभी कौमों में, चाहे वो कोई भी कौम हो, सभी कौमों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और ये आशीर्वाद ही आगे मुझे फलीभूत प्राप्त होता दिख रहा है। आप जैसे, आपके सामने पूर्व विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व कहाँ हैं, विधायक ही हैं अभी, तो खिलाड़ी लाल बैरवा जी हैं, संजय जाटव जी हैं, तो ऐसे में आप इन दोनों से अपने को कैसे श्रेष्ठ मानते हो और कैसे अपनी जीत पक्की मान रहे हो? देखो, दोनों में श्रेष्ठता तो मैं किसी से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, एक किसान घर का बच्चा हूँ और एक गरीब घर में पला बड़ा हूँ, तो मैं इनसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनता की नज़रों में जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो इनको नहीं हो सकता, क्योंकि एक हमारे क्षेत्र के बाहर के हैं, जो जयपुर में रहते हैं, और जिस तरह से विगत 5 सालों में उनकी कार्यशैली रही है और विधानसभा में उनका मूवमेंट नहीं रहा है, तो उनसे मेरी तुलना नहीं है। मैं विगत 10 साल से लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, उसी का ये प्रतिफल है कि आज मुझे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। दूसरे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि जो आदमी चुनाव हुआ नहीं है, उससे पहले ही एक माननीय विधायक के बच्चे पर और उन पर बलात्कार का FIR दर्ज कराता है, तो आगे चल करके ये क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अपन कह नहीं सकते। दूसरे, वो स्वयं प्रधान भी हैं, तो प्रधान के समय में क्या क्या कार्यशैली रही हैं, तो वो जनता जनार्दन जानती है, तो मेरी तो वही, उनसे मेरी तुलना नहीं है। मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, वो जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनसे मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं तो एक जनता की चरणों में रहना चाहता हूँ और वही जनता के चरणों में रह करके मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। कोई दर्शक जानना चाह रहा है कि चुनाव नज़दीक है, मतलब मतदान कितनी नज़दीक, कोई आपको, कोई स्टार प्रचारक, कोई बड़ा नेता आ रहा है कि आप?
देखो मेरा स्टार प्रचारक तो मेरी जनता है, जनार्दन है, जो आम कार्यकर्ता है मेरा, जो बूथ स्तर पर मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है, सामान्य इंसान जो भूखे प्यासे रह करके जिस तरह से मुझे मेरे साथ दे रहा है वही मेरे लिए स्टार प्रचारक है। वो एक प्रक्रिया है संगठन की, अगर संगठन की प्रक्रिया के तहत अगर किसी माननीय नेता को यहाँ भेजते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। युवा एक रवि जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या करेंगे। देखो युवाओं के रोजगार के अगर आपको ध्यान हो, संदीप जी एक इंटरव्यू आपने लिया था उस समय मैंने सोचा था ये तीन चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेंगी। एक तो जो पत्थर व्यवसाय है इसको प्रोत्साहित करना और इसको जो एक तरह से जो जाली वगैरह ये बनती हैं हैंडीक्राफ्ट के रूप में उसे विकसित करना जिससे रोजगार सृजन होगा। दूसरे क्या है कि जो खैमरी में जो आम और बेर का जो श्रेष्ठ वो है उसको किसानों से जोड़ करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ में तो उससे भी रोजगार सृजन होगा। तीसरी जो स्थिति है वो स्थिति है कि जिस तरह से आंगई में जो पशुपालन के डिपार्टमेंट के तहत जो भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र है इनको रियायत दर पर सब्सिडी दे करके जो किसान भाई जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रियायत दर पर बकरी दिला करके उनको रोजगार सृजन करना है। साथ ही साथ जो चंबल रेता की स्थिति चल रही है उसको लीगलाइज रूप से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पूरे चंबल को उन्होंने बैन कर रखा है तो मेरा ये निवेदन रहेगा वहाँ पर प्रयास करूँगा कि घड़ियाल सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में है और उस सीमित क्षेत्र को रिजर्व करते हुए जो दूसरे क्षेत्र उनको खुला करना जिससे क्या है कि उनके लीगल पट्टे होंगे तो लीगल पट्टे होंगे तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारे जो क्षेत्र है उसके लिए रोजगार का सृजन होगा। एक सवाल आया है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहाँ दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं उन पर आप खामोश क्यों रहते हो, आप दलितों के और एसटी एससी के जो अधिकार हैं उन पर आप क्यों नहीं बोलते। देखो ये पूरा जो हमारी विधानसभा है 36 कौम की विधानसभा है, राजस्थान 36 कौम से बना हुआ है, किसी जाति विशेष से नहीं बना हुआ है। हाँ वो एक अलग चीज़ है कि मैं एक जाति विशेष से आता हूँ परंतु जो बोलने की बात है मैंने कभी भी अपनी आवाज़ को नहीं दबाया, चाहे वो जनरल की बात हो, एससी की बात हो, एसटी की बात हो, जहाँ भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन पर मैं निर्वाक रूप से बोला हूँ और आवाज़ उठाने के लिए जहाँ अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहने की मेरे अंदर हिम्मत है और सही है तो उसका समर्थन करने की भी हिम्मत है, वो किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। एक सवाल है जो आपसे भी पूछा गया है, प्रत्याशियों से भी पूछा, हमने उनसे पूछा है कि बसेड़ी में एक कुंडा जगह है यहाँ पार्क कब बनेगा। देखो ये नगर पालिका क्षेत्र है पूरा बसेड़ी जो विधानसभा है नगर, वो बसेड़ी का जो कुंडा क्षेत्र है वो नगर पालिका क्षेत्र है और इसको नगर पालिका अगर मुझे जनता जनार्दन मौका देती है, बसेड़ी की जनता मुझे आशीर्वाद प्राप्त करती है विधानसभा की, तो नगर पालिका के ईओ और वहाँ के चेयरमैन से मिलकर के ये जल्दी से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। बसेड़ी का जो मेन चौराहा है उस पर हर मिनट जाम लगता है, इसके जो सड़क का चौड़ीकरण है ये काफ़ी समय से मांग चली, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। देखो ये बहुत पुराना मार्केट है और इसमें जो दुकान है वो बहुत छोटी छोटी हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था हम बाईपास के माध्यम से करेंगे उसे, क्योंकि दुकानों को तो तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के हमारे जो व्यवसायी हैं बेचारे उन वो बेरोजगार हो जाएंगे, परंतु ट्रैफिक जाम की निजात से पुलिस से मिलकर के उस ट्रैफिक से जाम की समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। बसेड़ी में स्थायी बस स्टैंड कब बनेगा। देखो बसेड़ी में स्थायी बस स्टैंड जिस तरह से कॉलेज खुल चुका है, जिस तरह से रीको खुल चुका है, बहुत जल्दी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा सरकार से मिलकर के स्थायी बस स्टैंड की भी मैं व्यवस्था कराऊंगा। और कोई बात आप ऐसी कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से, वो बताएं। मैं सभी युवा साथियों जनता जनार्दन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अफवाहें उड़ती हैं चुनाव के समय में और उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें क्योंकि उन अफवाहों का कोई धरातल नहीं होता और जिन अफवाहों का कोई धरातल नहीं होता उनकी में सत्यता नहीं होती है, तो ये चुनाव की उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और स्वच्छ और निर्भीक होकर के मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में चारों सीटों पर भारी बहुमत से जिताएं। एक सवाल और बीच में छूट गया था कि उसमें ये था कि आप 2008 से 2013 तक विधायक रहे, उस समय आपकी क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं। देखो उस समय सरकार कांग्रेस की थी और उस समय जो विधायक कोष होता है वो भी बहुत कम था, परंतु फिर भी राजस्थान विधानसभा में आप मेरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो मैं पूरे राजस्थान में जो चुनिंदा लोग थे जिनमें क्वेश्चन पूछने की और वहाँ विधानसभा की समस्याओं को रखने में उनमें मेरा भी एक स्थान था और जनता की जो आवाज़ मैंने सड़क और सदन में जो उठाने का प्रयास किया था वो मेरी उपलब्धि है। उसके साथ साथ जीएसएस बनवाए, उसके साथ साथ रोडों का भी निर्माण कराया, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स भी हुए मेरे टाइम में
उसके साथ साथ जो चिकित्सालय थे उनको भी क्रमोन्नत कराया, क्योंकि सरकार नहीं थी तो कोई ज़्यादा मतलब मुझे तवज्जो नहीं दी गई थी। अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से और ज़्यादा काम होंगे, मतलब पूरी उम्मीद है कि बीजेपी गवर्नमेंट 100% बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। तो ये थे बछड़ी के भाजपा प्रत्याशी सुखराम गोली जी, इनसे हमने हर मुद्दे पर बात की। सहयोगी मनीष शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक, धौलपुर।